आपने अपने सर से जिम्मेदारी का बोझ हटाने के लिए मेरी शादी तो करा दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि जिस घर में मैं रेखा को भेज रहा हूँ, एक बार तो उस घर को देख लूं। अगर आपने ऐसा किया होता भैया, तो आज मुझे उस अय्यास इंसान के साथ यूं जिंदगी ना बितानी पड़ती। अब पछताने से क्या फायदा भैया? सच कहती हूँ, जिसका पति दिन रात शराब की बोतलों में डूबा रहता हो, वो पति अपनी पत्नी को क्या सुख देगा भैया? अरे जो इंसान अपनी अय्यासी के लिए गैर लड़कियों से घिरा रहता हो, उनकी जिंदगी तबाह करता हो, वो इंसान क्या कभी अपनी पत्नी को खुश रख पाएगा भैया?